नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब बच्चों होता है नेचुरल, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वैसी क्लैमिटीज़ का नेचुरल मतलब तो समझ में आ गया ना, जो गॉड ने दी है या जो पहले से ही नेचर में हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। दूसरे क्लैमिटीज़ का मतलब होता है आपदा या परेशानी। तो जो आपदा आती है, परेशानी आती है, जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, फ्लड आ गया, तो ये सब क्या है, नेचुरल क्लैमिटीज़ में जिनका हमें कंट्रोल नहीं होता, बस हम इससे बच ही सकते हैं या सेफ हो सकते हैं। अ कैलेमिटी और अ डिज़ास्टर इज़ एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। एक कैलेमिटी और डिज़ास्टर क्या है, अनफॉर्चुनेट मतलब ये अच्छा नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है, मतलब हमारा शुभ नहीं है, अशुभ टाइप हैपनिंग है जिसमें हमारा नुकसान होगा। इट कैन बी नेचुरल और ड्यू टू सम एक्शन ऑफ आर, कुछ तो नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे ही कारण नेचर हमें देता है। फ्लड्स मतलब होता है बच्चों बाढ़ आना, खूब सारा पानी, मतलब बरसात इतनी तेज आ गई, घरों में पानी घुस गया है। अर्थक्वेक, जमीन का हिलने से मकान का टूट जाना। एंड साइक्लोन का मतलब चक्रवात, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आना। आर सम नेचुरल क्लैमिटीज, दे कैन किल एंड इंजर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दे कैन मतलब ये फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन, इसमें थाउजेंड्स पीपल मर भी जाते हैं और इंजर्ड, मतलब उनको लग भी जाती है, चोट लग जाती है। हाउ डू दे हैपन, ये कैसे होते हैं। वॉट कैन वी डू वैन दे हैपन, और हम क्या कर सकते हैं जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। तो जब बात करें हम फर्स्ट फ्लड्स की, तो फ्लड इज़ अ कवरिंग ऑफ लैंड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो फ्लड है, फ्लड का मतलब होता है कवर हो जाना, जो बहुत सारा इलाका है वो किससे कवर हो जाना, पानी से। इट कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स, ये बहुत सारे रीजन्स के कारण होता है। फर्स्ट, रेन वाटर नॉर्मली फ्लोज डाउन स्ट्रीम इन टू रिवर्स एंड गेट कैरिड अवे बाय टू द सी। जो रेन वाटर होता है, बरसात का जो पानी होता है, नॉर्मली क्या होता है, बहता है स्ट्रीम्स, नालियों में या नालों में, और फिर उससे कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, और आफ्टर दैट कहाँ चला जाता है, सीज में। बट व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल, पर बहुत ज़्यादा तेज बरसात होती है, और रिवर गेट ब्लॉक्ड बाय लैंडस्लाइड, या रिवर ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड से, मिट्टी विट्टी गिरने से रास्ता बंद हो जाता है नदी का, या पानी का बहाव रुक जाता है, और रिवर बेड गेट स्लिटेड, या नदी में रेत ज़्यादा हो जाती है, पानी की जगह कम रहती है। द वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड नियर बाय, तो जो पानी होता है वो आसपास के इलाकों में भर जाता है। सेकेंड, डीफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो लेड टू फ्लड, और डीफॉरेस्टेशन जब पेड़ ज़्यादा काटते हैं तो उससे भी डीफॉरेस्टेशन से फ्लड आता है। अब इससे डीफॉरेस्टेशन से फ्लड कैसा आता है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे सिर पर बाल होंगे, हम जैसे ही तेल डालेंगे तो धीरे धीरे निकलेगा, तो अगर पेड़ होंगे तो जब बरसात होगी वो पानी धीरे धीरे निकल कर नदी में आएगा, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो एकदम से पानी जितना बरस रहा है वो सारा सारा नदी में आ जाएगा, तो एकदम से नदी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और उसे टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा। बिकॉज व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, चेक द फ्लो ऑफ वाटर का मतलब पानी को रोकने का कोई साधन नहीं है। रिवर्स फिल अप वेरी फास्ट, नदियों में पानी फटाफट भर जाता है और फ्लड आ जाता है। सेकेंड जो इसका रीज़न है, व्हेन द स्नो और हाई माउंटेन्स मेल्ट सडनली, और अचानक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हाई माउंटेन्स में जो बर्फ है वो पिघलती है। इन समर स्नो फेड रिवर्स कैन ओवरफ्लो, और जो नदियों में पानी बर्फ के पिघलने से आता है वो ओवरफ्लो जाती है, उनमें बाढ़ आ जाती है। सर्व्स स्टॉर्म्स कैन कॉज फ्लड, और भयंकर तरीके से स्टॉर्म तूफान भी क्या करता है, बाढ़ ला देता है। व्हेन अ डैम इज बिल्ट, व्हेन अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, जब एक डैम बनता है, डैम का मतलब एक दीवार या ऐसी रुकावट बनती है जो पानी के फ्लो को रोकती है। अ लॉट ऑफ वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड इट, उसके पीछे पानी रुक जाता है। इफ़ द डैम ब्रेक्स, जब डैम टूटता है, अ लॉट ऑफ वाटर रशेज आउट एंड फ्लड द लैंड नियर बाय, और जब डैम टूटता है तो एकदम से बहुत सारा पानी निकलता है जिससे भी बाढ़ या फ्लड आ जाता है। हाई वाटर लेवल बिहाइंड डैम्स कैन लीड टू फ्लड, तो इधर पीछे आपको एक पिक्चर देख रखी है, इसमें बताया कि ज़्यादा वाटर लेवल हो जाता है डैम में तो उससे भी फ्लड आ जाता है। What happens during flood? Flood के time पर क्या होता है? Floods affect the lives of hundreds of people in India. और जब flood आता है तो सैकड़ों लोगों को की life पर फ़र्क पड़ जाता है। The eastern and northeastern part of country are prone to floods during the rainy season. और जब हम बात करें इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो कंट्रीज के
अपनी कंट्री के जो ईस्टर्न नॉन ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का वो प्रॉन है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वहाँ बार बार ही बाढ़ आती है हर साल ही लगभग। फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फ्लड्स वॉश अवे पीपल, तो लोग पानी लोगों को भाग ले जाता है, देयर हाउसेस उनके घर, बिलोंगिंग्स उनके रिश्तेदार, उनकी गाय भैंस एंड फार्म एनिमल्स। फिर आगे क्या करता है वो फ्लड, द वाटर कवर्स क्रॉप फील्ड, खेतों को भी में पानी घुस जाता है एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, क्रॉप डिस्ट्रॉय जाती है। इट कवर्स रोड एंड रेलवे लाइन्स, और क्या करता है रोड और रेलवे लाइन में पानी भर जाता है तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है। दिस कट ऑफ पीपल मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव द एरिया और गेट हेल्प फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, तो उनका कनेक्शन पूरा कट हो जाता है और उनको हेल्प नहीं मिल पाती है आसपास के इलाकों से। द फ्लड वाटर कंटेमिनेट, फ्लड वाटर क्या करता है जो पीने का जो पानी है जैसे कुआ है उनमें भी घुस जाता है, तो पूरा ही नालियों का पानी है सब पानी इधर उधर हो जाता है, तो हमें पीने के लिए साफ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन पड़े तो सबसे पहले पीने का पानी इन चीज़ों का रिसोर्स स्टोर करके रखें। तो पॉल्यूट और मेक इम्प्योर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिसाइड साथ साथ मॉस्किटोज ब्रीड इन दिस टेंजेंट पूल, और जब पानी भरा जाता है तो क्या होता है मच्छर बहुत ज़्यादा पनपने लग जाते हैं। ऑफ वाटर लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द फ्लड वाटर मूव्स बैक, और जब बाढ़ का पानी चला जाता है फिर भी कहीं कहीं पानी भरा रह जाता है तो वहाँ मच्छर पनप जाते हैं और बहुत सारे मॉस्किटो हो जाते हैं। ऑल दीज स्प्रेड डिजीज आफ्टर फ्लड, फ्लड के बाद ही डिजीज़ स्प्रेड अप करते हैं। द फ्लड अफेक्टेड विलेज बिहार, वॉट वी कैन डू, अब हम क्या कर सकते हैं जब लड़े, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेसन द सफरिंग कॉज बाय फ्लड, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी भी है गवर्नमेंट की, हम ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं बच्चों, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेसन द सफरिंग कॉज बाय फ्लड, बट वी कैन ऑल्सो हेल्प, तो गवर्नमेंट तो सफर के लिए लेसन प्रिपेयर रहती है या पूरा ध्यान रखती है, पर हमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पीपल मस्ट बी वार्म्ड ओवर टेलीविजन एंड रेडियो मच बिफोर फ्लड वाटर्स एंटर एन एरिया, जब कभी बाढ़ का पानी आता है तो उससे पहले टेलीविज़न रेडियो पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो दे मस्ट ऑल्सो बी हेल्प टू लीव द पैलेस, तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि उस जगह को छोड़कर आगे सुरक्षित प्लेस पे या सेफ प्लेस पे चले जाएं। पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड हिट एरिया मस्ट बी रेस्क्यूड क्विकली, और जो इंसान फ्लड हिट एरिया में फंस जाते हैं तो हमें उनको रेस्क्यूड करके वहाँ से बचा लेना चाहिए जल्दी से। टेम्प्रेरी शेल्टर्स मस्ट बी बिल्ट फॉर दैम इन अ सेफ प्लेस, उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर स्कूल्स में सामुदायिक भवन में इनमें बनाने चाहिए ताकि वो बरसात में सेफ रह सके। एंड दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद फूड मेडिसिन एंड ड्रिंकिंग वाटर, उनको फूड मेडिसिन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो भी एडवाइज टू ड्रिंक बॉयल्ड वाटर अंटिल द सोर्सेज ऑफ वाटर आर क्लीन, और जब तक और पानी के सोर्सेज क्लीन नहीं होते हैं उन्हें एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि वो बॉयल कर कर ही पानी पी ताकि उसमें उन्हें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ना हो और माइक्रोब्स ना हो और वो बिल्कुल सेफ रहे, उनको बीमारी ना हो, हेल्थ हैजार्ड ना हो। तो फोटोज़ देख सकते हैं आप साइड में, हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स इन अ फ्लड हिट एरिया ऑफ आसाम, आसाम में क्या है फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोगों के लिए। वी कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्लड्स, तो प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप, हम फ्लड को रोकने के लिए कुछ स्टेप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एन एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट का मतलब होता है बच्चों इधर आपको जो पिक्चर दिख रही है इसमें आप देखो कि पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो क्या होता है जब वाटर फ्लो करता है तेज से तो मिट्टी को तो भाग ले जाता है, पर इससे जब पत्थर अगर अपन मिट्टी के ऊपर पत्थर जमा देंगे तो पत्थर तो बहेगा नहीं और उससे पानी कटने से मिट्टी कटने से बच जाएगी और हमारा जो लैंड होगा वो काफ़ी सेफ रहेगा। एन एम्बैकमेंट इज़ अ वेल ऑफ वॉल ऑफ अर्थ, एम्बैकमेंट क्या है वॉल ऑफ अर्थ, अर्थ की दीवार है, एंड स्टोन मैट टू स्टॉप द वाटर, इसमें पत्थर पानी को एंटर होने से रोकते हैं फ्रॉम ओवरफ्लोइंग ऑन टू द लैंड, लैंड पर ओवरफ्लो होने से पहले। बिल्डिंग सच वॉल्स हेल्प टू प्रिवेंट फ्लड्स, और ऐसी वॉल क्या करती है बाढ़ आने से बचाती है। नेक्स्ट है कैनाल्स, हमें नहरें बनानी चाहिए जो क्या है जो क्रॉप का पानी है जो ड्रेन सिस्टम है, तो हम देखते हैं खेतों के साइड में भी ड्रेन या नाली को साफ करते हैं बरसात से पहले गर्मियों में ताकि बरसात का पानी उसमें से बहकर गल जाए और खेत सुरक्षित रहे। तो कैनाल्स कैरी वाटर फ्रॉम रिवर टू क्रॉप फील्ड्स, बिल्डिंग अ कैनाल नॉट ओनली हेल्प फार्मर्स बट ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड बाय कैरिंग अवे वाटर व्हेन द वाटर इन द रिवर राइज, जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाए तब भी हम कैनाल्स को यूज़ करके पानी को स्प्रेड कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड इन हिली एरियाज, और जहाँ हिली एरियाज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो उससे भी क्या होगा फ्लड की रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी।
Making sure that the channels through which rainwater flows are not blocked also reduce the risk of flood. तो हमें कोशिश ये करनी कि जो चैनल्स हैं, मतलब जो रास्ते हैं जहाँ से बरसात का पानी बह के निकलता है, उन्हें हमें ब्लॉक नहीं करना चाहिए. अगर ब्लॉक करेंगे तो उससे पानी भरने की समस्या रहेगी और फ्लड आने के चांस रहेंगे. नेक्स्ट है द इंडस वैली पीपल बिल्ट एम्बैकमेंट टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट देयर सेटलमेंट फ्रॉम फ्लड्स. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आज से 2,500-3,000 साल पहले लोग रहते थे, उनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम खुदाई में निकलता है, तो वहाँ के लोगों ने भी क्या है, एम्बैकमेंट्स बनाए हुए थे उनकी सिटी को बचाने के लिए, उनके घरों को बचाने के लिए आसपास के शहर में. तो देखो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी थी या कितने वो इंटेलिजेंट थे कि इस बात को वो जानते थे. नेक्स्ट है विंड्स आर क्लाउड्स मूव इन ए स्पायरल इन ए साइक्लोन. तो क्या करते हैं, जो हवा होती है वो बादलों को गोल गोल साइकिल की तरह घुमा देती है स्पायरल में, और उससे क्या होता है, साइक्लोन आता है. तो हम साइक्लोन, ये भी काफ़ी मेजर नेचुरल क्लैमिटी है साइक्लोन्स. अ साइक्लोन इज अ स्ट्रॉम इन विच द विंड मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ स्पायरल. तो साइक्लोन क्या है, एक स्ट्रॉम है, तूफान है, इन विच विंड, हवा बहुत तेज से घूमती है स्पायरल में गोल गोल. इट यूजुअली अराइजेज ओवर द सी. ये समुद्र में स्टार्ट होता है. वेन इट हिट अ कोस्ट, जब ये समुद्र के किनारों पे आके भिड़ता है, तो ट्रीज गेट अनरूप्टेड, पेड़ उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन स्नैप, लाइन इलेक्ट्रिक खंभे तो टूट जाते हैं, हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग गेट डैमेज, और जो कमजोर घर होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड सो ऑन. अ साइक्लोन इज यूजुअली अकॉम्पनीड बाय हैवी रेन. अब जब साइक्लोन आता है तो खूब तेज बरसात आती है, विच ऑफन कॉज फ्लड. उससे भी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है. द रशिंग इन ऑफ सी वाटर में ऑल्सो कॉज फ्लड. और जो पानी समुद्र में आता है होता है, उससे भी क्या होता है, फ्लड आ जाता है. साइक्लोन जनरली अकर इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द रेनी सीजन. साइक्लोन जब भी अपने इंडिया में आते हैं, कब आते ज़्यादातर, जुलाई और सितंबर के सीजन के टाइम पे आते हैं, मतलब रेनी सीजन के स्टार्टिंग में या आफ्टर में. मोस्ट ऑफ देम अफेक्ट कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरिया को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट. वॉट वी कैन डू, वी कैन नॉट प्रिवेंट साइक्लोन्स. हम साइक्लोन्स को रोक तो नहीं सकते, बट आज हम सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी से पहले ही पता लग जाता है कि भाई समुद्र में साइक्लोन उठ रहा है, वो धीरे धीरे बन रहा है, तो हमें टाइम मिल जाता है. तो वी कैन नॉट प्रिवेंट साइक्लोन्स, बट वी कैन डू फ्यू थिंग्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ. कैसे, बी अलर्ट टू द साइक्लोन. साइक्लोन के लिए अलर्ट लेना चाहिए, वार्निंग ओवर रेडियो एंड टेलीविजन. स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, हमें ड्रिंकिंग वाटर स्टोर कर लेना चाहिए, फूड एंड मेडिसिन, एंड कीप थिंग्स लाइक टॉर्चेस, कैंडल्स एंड मैचेस रेडी. मैचेस मतलब मैच स्टिक्स, हमें माचिस वाचिस सब तैयार करके रखनी चाहिए. टेक शेल्टर इन अ सेफ प्लेस बिफोर अ साइक्लोन हिट द एरिया. और साइक्लोन आने से पहले हमें कमजोर घर हो, पेड़ उनके पास नहीं रहना, मजबूत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में चले जाना चाहिए. सिक्योर डोर्स एंड विंडोज एंड स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास विंडो पेंस. हमें मजबूत खिड़की दरवाजे होने चाहिए, ग्लास वालों के कांच के वाले पास नहीं रुकना चाहिए. साइक्लोन आर कॉल्ड हरिकेन्स एंड टेफोन्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की दूसरी जगह साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, हरिकेन्स और टेफोन्स भी बोला जाता है. अर्थक्वेक, अब दूसरा टॉपिक आ गया बच्चों, अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मतलब होता है अर्थ का शेक होना या हिलना, उससे बिल्डिंग्स टूट जाती है. समटाइम्स द ग्राउंड अंडर आवर फीट शेक्स. कई बार जो ग्राउंड है जो हमारे पाँव के नीचे वो हिलता है. वी कॉल दिस एन अर्थक्वेक, हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं. तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन बन रही है, समटाइम्स द ग्राउंड अंडर आवर फीट शेक्स. वी कॉल दिस एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट वाइल. जो अर्थक्वेक होता है बस थोड़ी सी देर के लिए आता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आता. बट दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. बिल्डिंग एंड ब्रिजेस कैन कॉलेप्स. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, वो सब टूट जाते हैं. रोड्स एंड रेलवेज कैन बी डैमेज. रोड और रेलवेज होती है वो भी टूट जाती है. एंड ह्यूज क्रैक्स कैन अपीयर इन द ग्राउंड. और ज़मीन में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स नज़र आते हैं. ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स कैन गेट अपरूटेड. पेड़ और जो पोल्स होते हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं. देयर कैन बी अ फ्लड. और इसी के साथ साथ फ्लड भी आता है, लैंडस्लाइड भी आती है, सुनामी भी आ जाती है, एंड फायर. क्या होता है, अर्थक्वेक अगर समुद्र में आ गया तो उसमें पानी की लहरें हिलती है, तो उससे फ्लड आ जाता है. ज़मीन पर आता तो लैंडस्लाइड होती है. लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन का खिसकना या बड़े बड़े पहाड़ का हिस्सा गिरना, सुनामी. हाउ अर्थक्वेक अकर्स. अब अर्थक्वेक किस प्रकार से आता है, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर. जो अर्थ है वो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बनी है, ठीक है. तो उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. जो आपके एसएसटी में चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा ये.
वो क्या है, अलग अलग लेयर्स से पड़ी है। वी लिव ऑन टॉप मोस्ट लेयर, हम ऊपर ही ऊपर की लेयर पे रहते हैं, कॉल्ड द क्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 20 और 100 पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। वैसी ही 20 लेयर्स की बनी है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। विच मूव स्लोली ऑल द टाइम, ये धीरे धीरे हमेशा ही हिलती रहती है, जो हमें फील नहीं होती। पर आप देखो घर भी बनाओगे तो उसमें धीरे धीरे क्रैक आ जाता है, कहीं क्या आ जाता है। तो समटाइम्स अ प्लेट स्लिप और मूव्स वॉलेंटली, कई बार प्लेट है बहुत तेज हिल जाती है या भिड़ जाती है। देन द अर्थ अंडर अर्थ फीट शेक, तो हमें जो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है वो हिलती हुई नज़र आती है। एंड वी फील एन अर्थक्वेक, हमें अर्थक्वेक फील होता है। ओनली प्लेसेस नियर द एजेस ऑफ प्लेट्स फील द अर्थक्वेक, और जो जगह प्लेट्स के किनारों पर होती है उन जगह पर ही अर्थक्वेक फील होता है, ऊपर की पे नहीं होता क्योंकि तो हिलती है। ऑल अर्थक्वेक्स आर नॉट इक्वली स्ट्रांग, हर अर्थक्वेक इक्वली स्ट्रांग नहीं होता। इन सम द अर्थ शेक्स स्लाइटली, कहीं तो बस थोड़ी सी हिलती है, वाइल इन अदर इट शेक्स वॉलेंटरी, कहीं बहुत तेज ज़्यादा झटका आता है। जस्ट एज वी मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग ऑन द मीटर स्केल, जैसे हम किसी की लंबाई नापते हैं मीटर स्केल की, ऐसे ही हम क्या करते हैं अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं रिचर स्केल पे। किस पे? रिचर स्केल। तो ये क्या है, रिचर नाम के साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, इसलिए इसका नाम भी, इस स्केल का नाम रिचर स्केल पड़ा। सर्व अर्थक्वेक मेजर 7 और मोर देन ऑन द रिचर स्केल, और जो ज़्यादा भयंकर होता है वो 7 मेजर 7 आता है जब बहुत भयंकर अर्थक्वेक आता है। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक देन अदर, कुछ कुछ इलाकों पर अर्थक्वेक बार बार आता रहता है। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री आर प्रोन टू अर्थक्वेक, जो हमारे कंट्री का नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं। सो आर द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें आता है। तो आपको इधर पिक्चर भी देखा है, डैमेज कॉज बाय द 2015 नेपाल अर्थक्वेक, तो देखो कितने सारे घर वर सब टूट गए। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक अकर सडनली, अर्थक्वेक अचानक होता है, सो पीपल कैन नॉट बी वार्म, तो हम इसमें कोई रेडियो टेलीविजन में कोई वार्म नहीं आएगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप देम आइदर, हम कुछ भी नहीं कर सकते इससे रुकने के लिए। बट वी कैन बिल्ड हाउस दैट आर अर्थक्वेक रेजिस्ट, पर हमें घर ऐसा बनाना चाहिए जो अर्थक्वेक रेजिस्ट, मतलब वो अर्थक्वेक आने पर भी खड़ा रहे, मजबूत रहे। सच हाउसेज डू नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक के टाइम पर कोलैप्स नहीं होते। बिल्डिंग हाउसेज विद अ लाइट मटीरियल लाइक वुड एंड बैम्बू ऑल्सो हेल्प, और हमें घर ऐसे बनाने चाहिए जो वुड और बैम्बू से हो, हल्के घर। इवन इफ दे कोलैप्स, अगर टूट भी जाए तो दे डू नॉट कॉज मच हार्म, तो भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो। बींग सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में हमें कैसे सेफ रहना है, इफ़ यू आर इंडोर, अगर आप घर के अंदर हो, स्टे देयर, आप अंदर ही रहें। क्रॉल अंडर अ बेड और टेबल, तो आप बेड और टेबल के अंदर छुप जाइए नीचे गद्दों वद्दों के। क्राउच एंड कवर योर फेस एंड हेड, आपका सिर विर सबको रजाई गद्दों में छुपा लेना चाहिए ताकि को अगर घर भी टूटता आप उससे बच जाएँ। स्टे अवे फ्रॉम द आउटर वॉल एंड विंडोज, आपको दीवारों से और खिड़की से दूर रहना है। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, और लिफ्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू आर इन आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तो आप गो टू एन ओपन एरिया, आप खुले एरिया में चले जाइए, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थक्वेक का। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स ट्रीज एंड पोल्स। नेक्स्ट है लास्ट सुनामी, ये टीज बच्चों इसमें साइलेंट रहेगा, आप इसे सुनामी पढ़ेंगे, ठीक है। समटाइम्स व्हेन अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी, जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है तो अनयूजुअली बिग वेव्स फॉर्म, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती है। व्हेन दीज वेव्स रीच द शोर, जब ये शोर का मतलब होता है किनारा, जब ये लहरें किनारे पर आती है तो दे स्वीप अवे एवरीथिंग, तो ये हर चीज़ को भाग ले जाती है। एन अनयूजुअली हाई वेव कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक इज कॉल्ड सुनामी, जो अनयूजुअली हाई वेव, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं समुद्र के अंदर अर्थक्वेक की वजह से, उसे हम सुनामी कहते हैं। विच मीन्स अ हार्बर वेव इन द जापान, जिसे जापानीज में हार्बर वेव भी कहा जाता है। हार्बर मतलब जहाँ समुद्र किनारे पर जहाँ जहाज उठते हैं उसे बोलते हैं हार्बर। बींग सेफ व्हेन साइंटिस्ट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, जब साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आया है सी के अंदर, दे मे गिव अ सुनामी वार्निंग, तो वो समझने में कि वार्निंग देते हैं। देन वी शुड मूव टू द हाई ग्राउंड अवे फ्रॉम द सी, तो हमें समुद्र से दूर वाले इलाकों में चले जाना चाहिए। बिफोर द सुनामी रीच द शोर, किनारे पे सुनामी आए उससे पहले हमें वहाँ चला जाना चाहिए। फिर टॉपिक है बच्चों आपको ड्रॉट, जो लास्ट टॉपिक है इसका। ड्रॉट मतलब होता है बिल्कुल सूखा अकाल, जब बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज होती है। अ ड्रॉट इज़ अ सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ रेन फॉर लॉन्ग टाइम, जो फेमाइन होता है सूखा, वो तो हर साल पड़ता रहता है, एक दो सालों में पड़ता रहता है।
सूखे का मतलब होता है कि इतना कम पानी की फसल अच्छी नहीं है, और ड्रॉट का मतलब होता है जब पीने के पानी के भी लाले पड़ जाए। अ ड्रॉट इज अ सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम मेक द रिवर्स एंड पॉन्ड ड्राई, इससे पूरी नदी तालाब सब सूख जाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्टोर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और इससे क्या होता है धीरे धीरे दो चार सालों में अंडरग्राउंड वाटर की भी कमी रहती है। सो वेल एंड हैंडपम्प्स टर्न ड्राई, ये सब सूख जाते हैं। द अर्थ बिकम ड्राई डस्टी एंड क्रैक, जो जमीन होती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जमीन में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं सूखे के कारण। एक क्रॉप ड्राई, कोई फसल का एक तिनका भी नहीं उगता। लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ फूड पार्ट्स ऑफ राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आर प्रोन टू द ड्रॉट, ये जाता है ड्रॉट इनमें फेस किया ही जाता है। वॉट कैन वी डू, वी कैन नॉट डू मच अबाउट द नेचुरल कॉज ऑफ ड्रॉट, हम नेचुरल कॉज के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, बरसात तो नहीं करवा सकते, बट वी कैन टेक केयर ऑफ आर वाटर रिसोर्स, पर हमें हमारे पानी के रिसोर्स का ध्यान रखना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज इज यूजफुल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए, क्योंकि क्या होगा बिकॉज द वाटर वेपर गिवन आउट बाय द ट्री हेल्प टू फॉर्म क्लाउड, ये जो वाटर वेपर प्लांट देता है उससे क्लाउड्स बनते हैं और बरसात भी कराते हैं। ऑल्सो ट्रीज चेक द फ्लो ऑफ रेन वाटर, और प्लांट क्या करते हैं रेन वाटर को चेक करते हैं, मतलब धीरे धीरे नदी में नहीं बहने देते, और पानी क्या होता है जड़ों से होता है जमीन में चले जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छी बढ़ जाती है। विच लेट्स द वाटर सीप इन टू द ग्राउंड, इससे पानी जमीन में रस जाता है। इफ़ वी मेंटेन द एग्जिस्टिंग टैंक एंड पॉन्ड एंड बिग न्यू वंस रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमें जो पुराने टैंक और पॉन्ड है उनका ध्यान रखना चाहिए और नए कुएं खुदाने चाहिए, पॉन्ड्स खुदाने चाहिए जिसमें पानी स्टोर हो सके। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर बिसाइड द स्टोर्ड वाटर सीप्स इन टू द सॉयल एंड रेजेस, और फिर क्या होगा जमीन में पानी भरा रहेगा तो उससे क्या होगा जमीन के अंदर सॉयल के अंदर वाटर धीरे धीरे सीप्स हो जाएगा, रस जाएगा, और क्या होगा लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगी ऊपर हो जाएगी इन द सराउंडिंग एरिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।